अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल असमा कुकिंग एंड व्लॉग्स। तो आज मैं बना रही हूँ शीख कबाब। तो उसके लिए चाहिए मटन, नमक, मिर्ची, अदरक, लहसुन, गरम मसाला, थोड़ी फूले चने की दाल और कोथमीर, पुदीना, हरी मिर्ची। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले अपन जार में डालेंगे फूले चने की दाल और गरम मसाला। गरम मसाले में दालचीनी, इलायची, शाहजीरा, थोड़ी काली मिर्ची और 4 लौंग है। तो इसे ग्राइंड कर लेंगे पहले। तो चलिए, ये पाउडर बना लिया है हमने, तो इसको साइड में रखेंगे। और अब लेंगे गोश्त। गोश्त में हम डालेंगे नमक, अदरक लहसुन, हल्दी और मिर्ची। इसको मिक्स करेंगे। तो चलिए, मैंने इसको मिक्स कर लिया है अच्छे से। और इसमें डालेंगे कोथमीर, पुदीना, हरी मिर्ची को ग्राइंड कर लेंगे। अब तो मैंने जार में डाल दिया है ये गोश्त। अब इसको ग्राइंड करेंगे। तो देखिए ना, ये गोश्त ग्राइंड हो चुका है। अब इसमें डाल देंगे हम ये फूले चने की दाल, गरम मसाले का जो पाउडर बना के रखा था, ये भी इसमें ऐड करके इसको भी ग्राइंड कर देंगे। तो चलिए, इसको ग्राइंड कर लिया है हमने। चलिए अब इसके कबाब बनाएंगे पेंसिल की मदद से मैं बनाऊंगी अब। तो देखिए, अब ऐसे कर लीजिए, उसमें ये पेंसिल डाल के इसे प्रेस कर लीजिए। तो देखिए, बन चुका है। स्टार्ट। तो देखिए, इसमें से इंसर्ट करके इसको शेप दे देंगे। तो देखिए, सारे शीख कबाब बन गए हैं। अब इसे फ्राई करेंगे। चलिए, मैंने पैन रख दिया है, उसमें ऑयल डाल दिया और तेल गर्म हो चुका है। तो हम एक एक करके ये सारे डालेंगे कबाब। फोर्क की मदद से इसको टर्न कर लेंगे।
देखिए मैं इसको टर्न कर लिए, अच्छा कलर आ गया है इसका, दोनों साइड अच्छा पका लेंगे, अच्छा फ्राई करेंगे दोनों साइड की। जैसा ये फ्राई होते जा रहे हैं उसकी इतनी अच्छी स्मेल आ रही, अब वो देख के आपको वो से आपको स्मेल से आपको भूख लगना शुरू हो जाती। तो मैं गैस ऑफ कर लेती हूँ और एक एक करके सब निकाल लेती हूँ। निकाल लेंगे हम, तो चलिए बन चुकी है अपनी डिश। ये है शीख कबाब, मटन शीख कबाब। देखिए बनाइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बनाइए और मुझे कमेंट में भेजिए कैसा बना। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।